Today's topic is about chemistry of part 2. That topic is outline of FSC part 2 chemistry course. Yani part 2 ke andar FSC mein jo chemistry aap padhenge usme kya kuch hai uski outline aaj batate hain taki hame aapko pata ho कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन सी किस्म की केमिस्ट्री आपने पढ़नी है. देर आर 16 चैप्टर्स इन पार्ट 2. द डिवीजन ऑफ चैप्टर इज लाइक दिस. चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक दिस इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और चैप्टर नंबर 7 से 13 तक ये जो 7 चैप्टर हैं ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और चैप्टर नंबर 14 जो है ये बायोकेमिस्ट्री के ऊपर है. और चैप्टर नंबर 15 जो है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री के मुतल्लिक है. और चैप्टर नंबर 16 जो है ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन. 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कार्बन को एक साइड पे कर दें, बाकी 117 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. और उनकी जो स्टडी है, देन स्टडी ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और स्टडीज में कौन सी चीजें आ जाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और केमिकल प्रॉपर्टीज को. इसी डेफिनेशन को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट फ्यू. कुछ कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स हैं, 7 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक हैं, वो भी आपने स्टडी करना. चैप्टर नंबर 7 to 13 दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड? कंपाउंड ऑफ कार्बन्स, कंप्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन्स. ठीक है, और उनको जब आप स्टडी करेंगे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी. चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री. इसमें कुछ आर्टिफिशियल जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी शामिल हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो उसका उसके ऊपर जो बड़े नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उसके ऊपर है. बायोकेमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ईदर दे आर एनिमल्स और दे आर प्लांट्स. देर आर 15 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 5 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. 20 लाख स्पीशीज के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका मुताला क्या कहलाता है? बायो केमिस्ट्री. बायो मीन लाइफ. देन चैप्टर नंबर 15 है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री में. इसमें आपने क्या स्टडी करना है? अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. केमिस्ट्री का जो इलम पड़ा है, जब आप उससे कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई दवाई बनाते हैं, कोई धागा बनाते हैं, माचिस बनाते हैं, तो ये आप लोगों के काम आ रही है. ठीक है, तो ये इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं. एंड फाइनली चैप्टर 16 इज अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? कि जो पोल्यूटेंट है, जो चीज हार्मफुल है, पोल्यूटेंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, पोल्यूटेंट कैसे एक जगह से दूसरी जगह गया, पोल्यूटेंट कैसे दूसरे कंपाउंड से जाके रिएक्शन करता है, पोल्यूटेंट कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसा उसका इफेक्ट होता है, स्पेशली ऑन मैन. ठीक है, तो इसमें आप का फोकस क्या है? पोल्यूटेंट है, और वो भी पोल्यूटेंट कौन सा? जो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुआ हो. तो दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. तो दिस वॉज द ब्रीफ आउटलाइन विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन पार्ट 2 केमिस्ट्री. And detail of these branches of chemistry has already been uploaded as a branches of chemistry explained
लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. एनी क्वेश्चन अबाउट आउटलाइन? देयर इज वन क्वेश्चन यू कैन आस्क कि ऑर्गेनिक में 7 है, इसमें 6 है. एक्चुअली पेपर के अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये इस पोर्शन में आ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो इसमें कंसिडर आप करेंगे. एनी क्वेश्चन? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन.